इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार को ना तो सहयोजक बनाया गया ना ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, ये तो होना ही था और नीतीश बाबू के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू तो यह रहा कि उनको बहुत उम्मीद था कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता हमारा नाम कम से कम झूठों के मीडिया के लिए भी फॉर्मलिटी में भी नाम लेगा, लेकिन लालू जी ने भी उस बैठक में और राष्ट्रीय जनता दल के दूसरे नेताओं ने भी इनके नाम तक का चर्चा नहीं किया। ऊपर से दबाव है इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का, तो ये तो न घर के रहे न घाट के रहे। किसका दबाव है? राष्ट्रीय जनता दल का, धकिया के लेगा, वो सब धकेल के कुर्सी लेगा राष्ट्रीय जनता दल। नीतीश कुमार घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे? कहीं के नहीं रहेंगे, तो कहानी खत्म है। जनता दल यू तो उसरती बेलहट्टा है, उसरती के बेर जो लोग भागता है दौरी दुकान लेकर के, वही स्थिति है जनता दल यू का। लेकिन बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव उठ के चल दिए, तो कैसे क्या करेंगे वहाँ रह करके? तो गए थे अथी बनने 94 बनने या बन गए 96, तो वहाँ क्या करते बैठ के? मल्लिकार्जुन खड़गे का जयकार करना पड़ता ना, और क्यों नहीं करिएगा भाई? आपको क्यों मान लेगा एक अविश्वसनीय छवि वाले व्यक्ति को कोई नेता मान लेगा? राष्ट्रीय जनता दल के लोग तो इसलिए मान रहे हैं कि सत्ता में उनकी हिस्सेदारी है और उसका लोभ है, वही इनको मानने के लिए तैयार नहीं। 29 तारीख को नीतीश कुमार कार्यकारिणी की बैठक करने जा रहे, क्या कुछ बड़ा फैसला लेंगे? हाँ, उसमें एक अति पिछड़ा सांसद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं और इस जुगाड़ में है कि अति पिछड़ा के भय दिखा करके सत्ता पर बने रहे, राष्ट्रीय जनता दल हमको छेड़छाड़ नहीं करे, इसी के लिए वो बैठक है। हम लोगों को पता है कि उस बैठक में क्या होना। कल उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस की मीटिंग चल रही थी, यानी कि आपस में बात कर रहे थे, क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं क्या? देखिए, दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल भी एनडीए का हिस्सा है और पारस जी तो एनडीए में बजाबता भारत सरकार के मंत्री हैं, मिलना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब तो दौर चलेगा एनडीए के घटक दल के लोग नेताओं के साथ इटिंग मीटिंग सिटिंग और सेटिंग, सब दौर चलेगा, सब दौर चलेगा। हाँ हाँ, तो स्वाभाविक बात है। क्या लग रहा है कि नीतीश बाबू अब क्या करेंगे? नीतीश बाबू तो अब राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ सरेंडर स्लिप लगा दिए हुए, वो तो कोई प्रासंगिक ही नहीं है बिहार के राजनीति में। कहा जा रहा है कि ललन सिंह जो है आरजेडी के संपर्क में है। बिल्कुल सही बात है, और वो बार बार वही ना कह रहे हैं उधर से, जब भाई हट करके उनको आने दीजिए, जगह मिलने पर पास देंगे का वचन दिए थे, वही ललन बाबू कह रहे हैं कि अब जगह मिल गया पास दीजिए। उधर ट्रक में लिखा हुआ रहता कि जगह मिल, वही ना राजनीति में वही ना लिखा हुआ था जो गठबंधन बना महागठबंधन में था कि भाई जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, अब जगह मिल गया पास नहीं दे रहे हैं, यानी कि नीतीश बाबू अब फेंका जाएंगे। वो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को इनको स्वीकारना पड़ेगा और इनके पार्टी में टूट होगी और टूट करके कुछ लोग राष्ट्रीय जनता दल में आएंगे, कुछ लोग हम लोगों के दल में आएंगे। राष्ट्रीय लोक जनता दल में भी बड़ी संख्या में जनता दल यू के लोग आ रहे हैं, समय का इंतजार करिए। मतलब कि जदयू में बड़ी टूट होने जा रही है, आप कई नेता कई सांसद आपके संपर्क में, तो फार फार हो जाएगा, तो टुकड़ा टुकड़ा उसमें से मेजर हम लोगों के हिस्से में आएगा, क्योंकि जनता दल यू और हमारे पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गोत्र एक है, विचारधारा एक है, बेस एक है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।